नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय हम कैथल के उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया के रेजिडेंस यानी उसके घर के निवास के बाहर हैं, जहां पर नीलम यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है वह पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार नीलम यूनिवर्सिटी विवादों में घिरी रही है। काफ़ी बार सवालिया निशान नीलम यूनिवर्सिटी पर लगे हैं, जो कैथल में प्राइवेट नीलम यूनिवर्सिटी है जो क्योड़क में के पास जो है बनाई हुई है। लेकिन एक विवाद और आज खड़ा हो गया है, लोग कर्मचारी जो है वो पहुंचे हैं। फिलहाल मामला इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों आज ये उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे, इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं नीलम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरी सैलरी वहाँ 15,000 रुपये सैलरी है, जो लगभग पिछले 15-16 महीनों की पेंडिंग है। लगभग मेरा 2 लाख के आसपास मेरा पैसा पेंडिंग है। जब भी मैं वहाँ अपने पैसे लेने की बात करता हूँ तो हमारा शोषण किया जाता है, हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तो अब हम बताओ इस सिचुएशन में क्या करें। तो हमारे पास सैलरी पे पेंडिंग आपकी हम 2020 की और ये 21 जो चला हुआ है, उनका सारा रिकॉर्ड हमारे अकाउंटेंट के पास भी है और हमारे पास भी है। तो अभी आप मौजूदा मैं वहाँ पर कर्मचारी बिल्कुल हैं। मैं वर्किंग हूँ वहाँ। अच्छा। अभी मैंने छुट्टी डाली हुई है एक हफ्ता की, मेरे घर कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। लेकिन जब भी मैं पैसों की बात करता हूँ तो वो हमारा शोषण करते हैं। मेरी 15,000 सैलरी है, मेरे से कम भी चर चर काम करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप एग्रीकल्चर भी देखोगे, लाइब्रेरी भी देखोगे और मार्केटिंग भी करवा रहे हैं मेरे को। और अभी लेटेस्ट लगभग 10 दिन पहले VC साहब ने मैं बुलाया था, कह रहे आप एडमिन में भी सहयोग दोगे, तो भला हम 15,000 रुपये में चर चर काम कैसे कर सकते हैं। तो कोई उच्च अधिकारी जो यूनिवर्सिटी के हैं उनसे बात नहीं की, VC रजिस्ट्रार किसी से बातचीत हुई? हमने सारे बंदों ने मिलकर, हमें एक सर डॉक्टरेट जो डॉक्टर जगदीप है उनको वहाँ भेजा था मिलने के लिए VC साहब से। तो सर मिलने के लिए गए थे, उन्होंने स्लिप पर्ची भरती है, पर्ची भरने के बाद ही वो मिलते हैं। उन्होंने सर ने पर्ची भरी थी, लगभग 1.5 घंटा वेट करके वो ऐसे ही चले गए, सर ने मिलने से मना कर दिया। तो कोई आश्वासन उनकी तरफ से आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं, हम उनकी तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। तो 15 महीने से आप लगातार सैलरी मांग रहे हैं, किस तरह से सैलरी आपको, मतलब पूरे महीने की सैलरी नहीं देगी किस तरह से? नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरी 15,000 रुपये सैलरी है वो मेरे को 7,000 रुपये डालते थे, बाकी वो पेंड रख लेते थे अपने। ऐसे कर करके मेरा लगभग 2 लाख पेंडिंग है। 2 लाख पेंडिंग है। अब हम इनकी वजह से हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। अब हम बताइए अब कहाँ सर। तो पिताजी का मेरा 17 सालों से एक्सपायर हो रहे हैं मेरे पिताजी, भला सारी परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और ये सैलरी देने से मना कर रहे हैं। हम बिल्कुल आत्महत्या के कगार पे पहुंच गए सर। तो आज उपायुक्त महोदय से मिलने पहुंचे, कोई बातचीत हुई उपायुक्त महोदय से? उपायुक्त महोदय अभी नहीं है आज यहाँ पे, तो सर से बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सर हमारा प्लीज़ सैलरी का जो इशू है वो क्लियर करवाया जाए और हमारी जॉब सुरक्षित की जाए। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी पेंडिंग है? सर कर्मचारी तो कम से कम भी ये मान के चलो 20-25 कर्मचारी है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को वहाँ लालच दे दिया है, किसी को डेजिनेशन का, किसी को इंक्रीमेंट का, किसी को वैसे लालच दे के वो उन्होंने उनका अपने साथ लगा रखे हैं। बाकी हम 14-15 लोग हैं जिनमें से कुछ लोग यहाँ से छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर रखा है और उनका सारा पैसा एज इट इज पेंडिंग है जो ये नहीं दे रहे हैं। तो अब जैसे आप वहाँ कर्मचारी हो तो अभी आपको फिलहाल पूरी सैलरी दे रहे हैं या अभी कट? अभी कुल 2 महीनों से सितंबर से उन्होंने पूरी सैलरी डालना स्टार्ट कर दी और VC साहब कह रहे हैं कि पिछली सैलरी का मैं जुम्मेवार नहीं हूँ। अच्छा, पिछली सैलरी के लिए हाथ खड़े कर लिए? हाँ, क्योंकि पिछली सैलरी के कह रहे हैं मैं कोई जुम्मेवार नहीं हूँ, मैं सितंबर से मैं जुम्मेवार हूँ। तो भला आप बताइए हम सर पिछली कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? मेरे को सर 9वीं साल लग रही है वहाँ। 9 साल से? 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 9वीं साल मेरे को लग रही है वहाँ। रेगुलर पोस्ट पे हूँ मैं, वहाँ काम कर रहा हूँ सर। तो उससे पहले भी कभी दिक्कत सैलरी में आई है या अभी आने लगी? नहीं सर, ये सैलरी की दिक्कत तो लगभग 2016 से ही चल रही है सर। ठीक है, लेकिन ये आश्वासन देते रहते थे कि देंगे, हमारी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर है, ये है, लेकिन आज तक भी इन्होंने सोल्यूशन नहीं किया। अगर इतनी ही फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर है तो आप DC साहब को सरेंडर करें, DC साहब चलाएगा अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी। क्यों आप स्टाफ का भविष्य खराब कर रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जगदीप, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता था। मैंने दिसंबर में रिज़ाइन दे दिया था, उसके बाद एज ए कंसल्टेंट मैं वहाँ पे काम कर रहा था और अब मैं कहीं और कार्यरत हूँ, पर एज ए कंसल्टेंट मैं वहाँ पे हूँ अभी भी और मेरी पेंडिंग है सर सैलरी, मैं वहाँ से छोड़ चुका हूँ। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी डर था कि कहीं मेरे पैसे पुराने मर तो नहीं जाए, क्योंकि
लेकिन ये आश्वासन यहाँ पर ऐसा माहौल था कि सब कहते थे भाई चाहे कुछ भी हो ये यूनिवर्सिटी पैसा नहीं मारती है। पर अभी तक पूछने जाओ तो एक छोटी सी पर्ची पे एक लिख के दे देते हैं कि भाई इतने पेंडिंग है, इतना है, आपका बिल नहीं आया है, आपका ये मंथ मुझे बिल ही नहीं मिला है, इवन बिल गुम कर देते हैं। मैंने क्योंकि हमारे अभी ऑनलाइन क्लास है, बच्चों की सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक लड़की है जो ऑनलाइन क्लास को मैंने उसको अपॉइंट किया था कि भाई आप कीजिए क्योंकि बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इन ये सैलरी नहीं दे रहे क्योंकि इस कम सैलरी पर बिना सैलरी के कोई काम नहीं करता आज के जमाने। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, उसके फादर एक्सपायर किया था, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस लड़की ने अपना लंच वगैरह कहीं पर भी और भी काम कर रही है वो, तो वो लंच छोड़ छोड़ के उस लड़की ने क्लासेस ली। जब वो गई कि मेरा बिल दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, तो उसको टरकाया जाए, हर मंथ टरकाया गया, ऐसे टरकाया गया। आखिरकार क्या हुआ, वो लड़की गई बोली कि आपके बिल्स नहीं आए हमारे पास में, बल्कि वो जमा करके आई थी और पूरा अच्छा सा दे के आई थी, संभलवाई थी कि मेरे बिल ये हैं। अब वो दोबारा भर के आई तो उसको बोलते हैं कि आप उसका सिग्नेचर लाइए जिसने आपको अपॉइंट किया था, सारे लिंक्स जनरेट कीजिए जिस लिंक से आपने क्लासेस ली थी, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करवाए, एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हुए हैं, अगर क्लासेस नहीं हुई तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि क्लासेस नहीं हुई हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एक होना चाहिए। ये जितने हैं कई ऐसे हैं गरीब, इनको डी ग्रुप कहा जाता है कि ये डी ग्रुप के हैं, आप इनके साथ क्यों लग रहे हैं। मैं एक पॉजिटिव माइंड से कि भाई देखो किसी किसी काफ़ी सारे वहाँ पे ऐसे कार्य रहते हैं जिनके या तो हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं या फिर वो खुद उनकी वाइफ जॉब गवर्नमेंट जॉब पे, उनके फादर मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब पे थे। मेरा हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, एक टाइम मैं सोचूं कि चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे तब मिलेंगे देखी जाएगी, लेकिन इनका तो एक तो नौकरी की इनकी सिक्योरिटी नहीं रही अभी, प्लस अभी अगर जॉब छोड़ते हैं तो इनको कोई रोज़गार शुरुआत करने के लिए पैसा चाहिएगा, कम से कम इनका पुराना पैसा है, ब्याज नहीं दे रहे, मूल तो दे दो इनका। कितना पेंडिंग है आपका ये पैसा? मेरा सर उनके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था लगभग 180 के आसपास, पर मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा है क्योंकि मेरे कुछ बिल्स उन्होंने नहीं किए, उन्होंने कहा हम कंसल्टेंट को हाफ पेमेंट कर रहे हैं। किसी उच्च अधिकारी से बात नहीं की जो मैं गया था सर वीसी सर से बात करने के लिए, तो मुझे भी कहीं जाना था। देखो सबका एक शेड्यूल होता है, अपने टाइम से निकलता है कि भाई इस टाइम पे मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगा। मैं गया था तो उनके एप्लीकेशन की एक छोटी स्लिप भरनी होती, मैंने स्लिप भी भरी थी। उसके बाद जाने के बाद मैं काफ़ी देर वेट किया, 1.5-2 घंटे मैंने वेट किया, तो उनकी तरफ से कोई बुलावा नहीं आया और स्टाफ अंदर आना जाना उनका चल रहा था। फिर मैं अपना कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी है यूनिवर्सिटी के वो कहीं ना कहीं बात करने से भी कतराते नजर आ रहे हैं, शायद क्योंकि पैसे का मामला है, वो कहते हैं हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अभी ठीक नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से अच्छा खासा डिपार्टमेंट है वहाँ पर, PhD सेक्शन है, 45 लाख 50 लाख उनके पास फंड्स हैं, कम से कम इनकी सैलरी निकल सकती है। चलिए महिला भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जाने, क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम संतोष है, मेरे को मैं नीलम यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, पहले तो मुझे PhD सेल में रखा हुआ था, फिर नीचे भेजा मतलब किसी और डिपार्टमेंट, हाँ, और भेजा रजिस्ट्रार सर के पास, तो मैं वहाँ से सितंबर में छोड़ के आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी अब तक पैसा पेंडिंग है। और जब लेने जाते हैं तो कहते हैं वेट करो जी, 2 घंटे वेट करके हम ऐसे ही आ जाते हैं। और फिर पैसा आपका पेंडिंग है? हमारा 40,000 पेंडिंग है। कितने साल से पेंडिंग है? ये 1.25 साल हो गया सर, मेरे को छोड़े हुए 1.25 साल हो गया। उससे पहले था तो फिर भी देते थे 2-2, 3-3 हज़ार दे देते थे, फिर कह देते थे अभी इतना ही मिलेगा, हम कहते थे हमारी ज़रूरत 2-3 हज़ार में हम क्या करें, हम ऑटो का किराया भर के आते हैं, 2-2 ऑटो हम करके जाते हैं, किराया भर के आते हैं, हमारा किराया नहीं निकलता, हम 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का क्या करेंगे। वो मानते ही नहीं थे, वो कहते हमें तो हमारे पास तो इतना ही है, और है उनके पास फंड अच्छा है, PhD सेल से बहुत अच्छा पैसा आता है उनका, लेकिन वो देते नहीं है, दे के राजी नहीं है। तो क्या उम्मीद है आपको पैसा? नहीं नहीं, नहीं कोई उम्मीद नहीं है, देते ही नहीं है, इतनी दूर से जाना पड़ता है, उनको दिखता ही नहीं है कि परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अपना पैसे मार के बैठे हुए हैं, देते हैं नहीं है। बिल्कुल, इस टाइम नीलम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी उपायुक्त महोदय से मिलने पहुँचे, ज्ञापन देने पहुँचे हैं क्योंकि पिछले 16-17 महीनों की उनकी सैलरी जो है वो बकाया है, लगभग एक व्यक्ति की 2-2.5 लाख रुपये बकाया जो है वो बताई जा रही है। लगभग 15-20 ऐसे लोग हैं जिनकी बकाया है, लेकिन बार बार यूनिवर्सिटी द्वारा गोलियां दी जा रही हैं, यहां तक जो उच्च अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के वो बात करने से भी मना करते हैं। कई कई घंटों बैठकर ये कर्मचारी अपना समय बर्बाद कर घर वापस खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों यूनिवर्सिटी के अधिकारी इनको सैलरी देने से इस समय सामने नहीं आ रहे। लेकिन अब फिलहाल
अपनी सैलरी के लिए उपायुक्त महोदय के पास पहुँचे हैं और गुहार लगाने पहुँचे हैं कि सर हमारे समस्या का समाधान करवाएं। लेकिन हम नीलम यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनसे ही बात करेंगे, आखिरकार इस मामले में उनका क्या कहना है।